किसी ने सच ही कहा है कि सफलता किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती, सफलता के लिए सिर्फ जरूरी है जोश और लगन। इस कहावत को सच कर दिखाया है अपर्णा रमेश ने, जिन्होंने फुल टाइम जॉब के साथ यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की और ऑल इंडिया में 35वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने में सफल रही। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अपर्णा रमेश मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली है। अपर्णा के पिता एक सिविल सर्वेंट है और उनकी नौकरी की वजह से अपर्णा ने देश के कई शहरों में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद विश्वेश्वर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर अपर्णा ने CPET विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अपर्णा ने साल 2019 में पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने साल 2019 में यूपीएससी परीक्षा का पहला अटेम्प्ट भी दिया था, लेकिन ठीक तैयारी ना होने के कारण वह ये परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। इस असफलता के बाद भी उन्होंने अपनी तैयारी भी जारी रखी और साथ में नौकरी भी करने लगी और साल 2020 में दूसरा अटेम्प्ट दिया। इस बार सही रणनीति और कठिन परिश्रम के चलते उन्होंने यह परीक्षा न केवल पास की बल्कि 35वीं रैंक हासिल कर आईएएस अफसर बनने में सफल रही। अपर्णा रमेश के मुताबिक नौकरी के साथ साथ उनके लिए टाइम मैनेजमेंट और खुद को बैलेंस और एकेडमिक लाइफ में संतुलन बनाना आसान नहीं था और इसके लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता थी। अपर्णा ने बताया कि नौकरी के बाद उनके पास बहुत कम समय बचता था, ऐसे में उन्होंने उन टॉपिक्स का अध्ययन किया जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। साथ ही उन्होंने खुद को सिविल सर्विसेज के बड़े सिलेबस से विचलित नहीं होने दिया। उनका मुख्य लक्ष्य जितना हो सके उतनी पढ़ाई करना था। आइए अपर्णा की स्टडी टिप्स। अपर्णा बताती है कि ऑफिस से पहले वह सुबह 4 से 7 बजे तक पढ़ाई करती थी, उसके बाद वो ऑफिस जाती थी। ऑफिस से घर लौटने के बाद भी वह 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करती थी। इसके अलावा वह साप्ताहिक अवकाश के दिन 8 से 9 घंटे पढ़ाई करती थी। उन्होंने बताया कि इस कठिन परीक्षा की तैयारी की शुरुआत उन्होंने NCERT किताबों से ही की थी। इसके अलावा वह कुछ स्टैंडर्ड किताबों के साथ करंट अफेयर्स के लिए नियमित रूप से TV और न्यूज़पेपर से नोट्स तैयार किया करती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।